पांचवा हुकुम सिर्फ मां बाप के आदर पर लागू नहीं होता है, याद रखिएगा, यह सिर्फ एक लाइन का हुक्म नहीं है, यह बड़ा लंबा चौड़ा, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि क्रिश्चियनिटी इज सच अ रिलीजन जिसमें ना सिर्फ आसमान और स्वर्ग और उसकी बातें होती हैं, लेकिन यह समाज एक एजुकेटेड लोगों का समाज है। और इसीलिए विश्व के जितने बड़े शैक्षिक संस्थाएं हैं वो सब मसीहियों के द्वारा चलाई जाती है। आज लोग दीवाने हैं कॉन्वेंट और क्रिश्चियन स्कूल के, क्यों भाई? अरे ABCD तो बाकी लोग भी पढ़ाते हैं, क्यों आपको क्रिश्चियन स्कूल चाहिए, क्यों आपको कॉन्वेंट चाहिए, क्यों आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए? कॉन्वेंट ऐसा वर्ड है, कई लोग जानते भी नहीं कि कॉन्वेंट का क्या मतलब, सोचते हैं कॉन्वेंट मतलब इंग्लिश स्कूल। कॉन्वेंट का मतलब जहां नन लोग रहती हैं, नन लोग, जो नन होती है कैथलिक में, उनके रहने की जगह को कॉन्वेंट कहा जाता है, क्योंकि वो परिवार में नहीं रहती है, उनका घर नहीं होता, तो एक ही जगह कई एक नन होती हैं, उनको वहीं पढ़ाया लिखाया सिखाया जाता है, उस जगह को कॉन्वेंट कहा जाता है। और यहां दूसरे लोग धर्म के लोग भी कॉन्वेंट लगा रहे, बस तुम्हारे यहां कहां नन होती है? लेकिन इतना इंपैक्ट है, इतना प्रभाव है उस एजुकेशन का, वो सिर्फ ABCD नहीं सिखाते। मेरे साथ रहिए आप थोड़ी देर आज, वो आपको डे टू डे लाइफ में अपनी जिंदगी को भी कैसे जीना है ये सिखाया जाता है। जिसको एटिकेट कहते हैं। मैं अमेरिका में रहता हूं, एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, उनके स्कूल देखिए 12 साल में वो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय सिखाते हैं 12 साल। तो ये इतने दिन वो नर्सरी से वहां क्या सिखाते हैं? उनको जीवन जीना सिखाते हैं, उनको थैंक यू बोलना सिखाते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, उनको चिल्लाना नहीं सिखाते हैं। दो चीज मैं आपको बताऊं, अमेरिका के बच्चे रोते नहीं हैं और उनके कुत्ते भौंकते नहीं हैं। मतलब हम इतना ट्रेवल किए, बगल में बच्चा आवाज नहीं सुनाई दी। अरे तो हम लोग क्या है, उस मोहल्ले का चिल्ला चिल्ली यहां सुनाई देता, और माए खूब उसका चिल्ला। बस मेरे साथ रहिए आप थोड़ी देर, मसीही जीवन एजुकेटेड लोगों का है। यीशु मसीह शिक्षा लिखा है कि वो गांव गांव प्रचार करता और उन्हें सिखाता हुआ। और यीशु मसीह ने जाते समय क्या कहा कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उनको मानना सिखाओ। आज बता बहुत लोग रहे हैं, सिखा सब लोग। एक मिनट, बहुत अंतर है बताने में और सिखाने में। एक कार है, आप गए ड्राइविंग सीखने में और जो सिखाने वाला सब बता दिया, ये स्टीयरिंग स्टीयरिंग है, बोले चला लीजिए, आप चला लीजिए, मालूम है 3 लोगों को ठोक दिया, क्योंकि सिखाया थोड़े उसने तो बताया आपको। बताने में और सिखाने में बहुत अंतर होता है। आपको बताया गया ये स्टीयरिंग होती है, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है, फलाना होता है, वो तो ठीक है भाई, सिखाओगे कब? बोले अरे बता दिए है ना। आज हमारे चर्चिस की भी यही हालत है, बताया खूब जा रहा है, मैंने बता दिया आज तो मैंने पुलपिट से बता दिया 1 घंटा में। कौन फायदा उस बताने से? क्या लोगों ने ड्राइविंग सीखी? क्या लोगों ने चलना? अरे चलना सिखा, कोई है मेरे साथ? चलना सिखाया जाता है जी, बच्चे जो होते हैं उनको चलना से, कोई है मेरे साथ? नहीं बोल नहीं रहा, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने बच्चे को चलना सिखाएंगे नहीं तो वो कभी नहीं चलेगा। बाबू बैठे रहो, मालूम है 15 साल का गोद में बैठा हुआ है, क्या हुआ? हमने चलना सिखाया नहीं उसको। मसीही जीवन सिखाने का जीवन है, ये सिखाता है।
और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से जो आपको सिखाया जाता है अपने घरों में जाकर के, जब तक आप सीखे, देखिए शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, वही शिक्षा जो परिष्कृत वर्ड है उसका, शिक्षा यानी सीखना। शिष्य का क्या मतलब होता है? जो सीखता है, जो सुनता नहीं है, क्योंकि एक कान से आप सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सबके पास है, वो मन का कान जो सीखने वाला हो। शास्त्री और फरीसियों ने बहुत कुछ सुना था, बहुत ज्ञान था, मगर सीखे नहीं थे वो। आपने अपने बच्चों को देखा होगा कई बार, थैंक यू तो बोलना जानते हैं, लेकिन किसको कब थैंक यू दिया किया जाए सीखा नहीं उन्होंने। मेहमान आया, आपने मेहमान के लिए कुछ नाश्ता लगाया, मालूम हुआ बच्चे ही टूट पड़े उसके ऊपर, पूरा झुंड बना के टूट पड़े, और मेहमान देख रहा कब हमके मिली। जब सब गायब हो गया, चूर चार है उसके अंदर, अरे लीजिए ना लीजिए ना, अरे सब तो वो ले लिया, हम का ले उसके अंदर, क्योंकि आपने सिखाया नहीं, कभी कभी प्रैक्टिस नहीं करवाई। और लिखा है सिखाया कब जाता है? जब ताड़ना होती है, ऐसे कोई नहीं सीखता है। अरे आप इंसान की बात कर रहे हैं, और मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। पेंडेमिक में हम लोग तीनों जन थे, थोड़ा सा लोनलीपन हो रहा था, तो ये हुआ भाई एक तो जानवर रख लिया जाए, भाई कुत्ता नहीं रखे, तो ये हुआ बिल्ली रख लिया जाए, तो एक बिल्ली लिया है, बिल्कुल जंगली बिल्ली, जंगली। एक बार एक तो गिरगिटान पकड़ के लाई, तो गिरगिटान देखे, गिरगिटान ठीक था, पूंछ गायब थी, तो क्या हुआ मालूम आके तो नाश्ते में चली गई जंग। लेकिन जिसने वो थोड़ी इतने 2-3 महीने की होगी शायद, 2-3, जिसने भी उसको पाल पोस के उतने दिन किया, एक चीज सिखा दिया, पॉटी करना सिखा दिया, कहीं इधर उधर नहीं, उसका एक डिब्बा है उसी के अंदर। अरे हमने कहा ये जानवर का ये हाल है, हमारे यहां तो अभी भी लोटा लेकर के लोग खेतों में फेसबुक कर रहे हैं, अभी हमने वो नहीं सीखा। चर्च में जब आते हैं सीखने के लिए आइए, इसको देखना उसको देखना, ये सब गलत बात है। आप कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे, परमेश्वर का कलाम बोल रहा है, वे होठों से तो मेरा आदर करते हैं, और जानते हैं सीखना दिल से होता है, अंदर से होता है जी। जब आप सीख जाते हैं ना, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। ड्राइविंग ड्राइविंग ड्राइविंग, जब आप पहले ड्राइविंग करते थे, मार कोई दीवार ना आ जाए और आदमी ना आ जाए और भेड़ ना आ जाए, बकरी ना आ जाए, अब क्या होता है जब सीख लिए? ड्राइविंग कर रहे हैं, बतिया भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, हल्ला भी कर रहे हैं, उसी में सब दुनिया का काम हो रहा है उसी के अंदर। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सीख गए। दुआ कीजिए कि खुदावंद आपको सिखाए बहुत सारी बातें। और मैंने कहा कि सीख कहां से मिलती है? ताड़ना से मिलती है। जब पढ़ता है तो सीख जाता है, एक ही दो बार तो पढ़ना है, और कई बार पढ़, जरूरी नहीं कि छड़ी से हो, कई बार खुदावंद हमें ऐसे ऐसे अनुभव देता है कि हम सीख जाते हैं, दोबारा वो काम नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री, उसका हम निर्गमन तो आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि निर्गमन में तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, इसका सारा भाग तो इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में लिखा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय की जो 12वीं आयत है, तू अपने माता पिता का आदर कर। आज हम सिर्फ माता पिता का सर नेम लेते हैं, फॉर्म में भरना है पिता का नाम क्या है, आपका सर नेम क्या है, सर नेम की बात नहीं कर रहा, आदर करने की। तो पहले आदर सीखिए ना, आदर क्या चीज होती है, तो फिर आप माता पिता का भी आदर करेंगे, भाई बहनों का भी आदर करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी का भी आदर करेंगे, सबका आदर करना आप सीख जाएंगे, जब आपको आदर करना आ जाएगा। जैसा मैंने कहा, होठों का आदर आदर नहीं होता है, अगर आदर करना है तो दिल से आदर कीजिए अपने प्रभु का। होठों गया संडे है, बोलना है हालेलुया बोलते,
आपसे निवेदन करूं, जब आपको मन करे हालेलुया बोलने का तो हमसे पूछिएगा मत, बोल दीजिएगा। मैंने कहा बोल दीजिएगा। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हमको तो अच्छा लगा, हम बोलेंगे हालेलुया। बोल दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिल से अच्छा लगे तो बोल दीजिए हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, मैं बस थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूं। आप देखिए इस पत्री में, इस अध्याय में कोई स्वर्ग की बात नहीं, नथिंग डूइंग अबाउट द किंगडम ऑफ हेवन, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू लिव इन दिस लाइफ। इसलिए प्रिय बालकों की नाई अपने टीचर के समान बनो, ऐसा लिखा है क्या? आपका स्टैंडर्ड देखिए, बेटा फलाने के समान बनो, बेटी फलाने को देखो। आज दुनिया को दिखा दिखा के हमने बच्चों को रिस्क दिलवा दिया है। बच्चा भी कहे फलानी मम्मी को देखो और फलाने की मम्मी को देखो, तुमसे ज्यादा अच्छा रोटी बनाती है, तुमसे ज्यादा अच्छा सब्जी, कैसा लगेगा आपको? हम और आप बच्चों को तो तन्ने से बोल देते, अरे पड़ोसी की लड़की को देखो, पड़ोसी के लड़के देखो, 99% लेकर के आया है मम्मी, तो उसकी मम्मी आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, वो डबल एम ए है और आप डबल जीरो है। बच्चों को रिस्पत दिलाइए। अगर आपको बच्चों को किसी का कोई है मेरे साथ, आप मेरे साथ रहिए, हमको मालूम है आपके लिए बोरिंग है क्योंकि आप सीखना नहीं मांगते, अरे कुछ और बताइए। आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आप एक ऐसे चर्च में है जहां आपको सीखना है, और आप ही नहीं हम भी सीख रहे हैं। मत समझिए कि हम आपको डांट रहे हैं, हम किसी को पर्सनल, हम परमेश्वर की बात करें। आप ये देखिए क्या लिखा है, हे प्रिय बालकों के समान किसके समान बनो, परमेश्वर के। बताइए आप स्टैंडर्ड देखिए। उसने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, बी लाइक गॉड द ऑलमाइटी। अरे क्या बोल कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इतना स्टैंडर्ड हाई। मसीहों तुम्हारा स्टैंडर्ड गॉड के तुल्य होना चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि उसने हमको अपनी इमेज में बनाया है। जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई है अगर वो काम ना करे तो उस चीज को बाहर फेंक दीजिए। लिखा है कि जब नमक का स्वाद, तुम पर पृथ्वी के क्या हो, हाँ पहले ये तय कर लीजिए, और उसके बाद लिखा है जब नमक नमक नहीं रह जाता है, नमक का स्वाद बिगड़ जाता है, नमक चीनी बन जाता है, नमक दालचीनी बन जाता है, नमक इलायची बन जाता है। जी नहीं, हमको दालचीनी और इलायची नहीं चाहिए। नमक डाले हैं तो क्या चाहिए आपको? नमक ही चाहिए आपको, आपको नमक नमकीन चाहिए। जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है, जी नहीं ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है जब लवीन मोरार का स्वाद बिगड़ जाता है, जब लवीन मोरार को बात करना नहीं आता है, जब इसकी बदतमीजी हो जाती है, जब इसकी दिमागी हो जाती है, निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। अब समझ में आया? तुम पृथ्वी के नमक हो, जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वो बाहर सड़क पर फेंक दिया जाता है और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। आपको अपनी नमकीनियत बना करके रखनी है। चीनी बनने की कोशिश मत कीजिए, चीनी चीनी है। अरे वहां कोई था नहीं तो हम चीनी बन गए, अरे उनके घर में क्या कोई है मेरे साथ, प्रेज द लॉर्ड बोले। आपके घर में मेहमान आता है, कई बार चीनी खत्म हो जाती है तो चाय में नमक डाल देते हैं आप, अरे आ जा नमक बन जा, नमक बन जा बाबू, अरे चीनी बन जा, ए नमक चीनी बन जा, कोई लाने वाला नहीं है, खत्म हो गया, मेहमान क्या सोचेंगे? वो कहेगा हम जब भी रहेंगे तो नमक ही रहेंगे, आप नहीं है मेरे साथ। अरे क्या करे भाई साहब, वो गए थे शादी में गए थे ना, वहां फलाना हो रहा था तो हम भी घुटने टेक लिए, हम भी ये लगा लिए, हम भी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे ये चीज। आप नमक से कहिए चीनी बन करके दिखाए। वो जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है, अपने स्वाद को बिगड़ने मत दीजिए। हे प्रियो, हे प्रिय बालकों की नाई किसके सदृश, परमेश्वर के। आगे पढ़ लीजिए ना, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे। ये है आपका स्टैंडर्ड, इसको लिख लीजिए एक जगह और टिक कीजिए कि आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं, सुगंधित है कि नहीं आप, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का शुद्ध काम, लोभ की चर्चा तक ना हो। हालेलुया।
आगे सुनिए, और ना निर्लजता ना मूर्ता की बात, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हम तो सोचे कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ना। हम तो इतना ही जानते, ये कौन पढ़ेगा, ये कौन पढ़ेगा, इस पर कौन चलेगा। आज हमारे चर्चेस, आज मसीह इसीलिए उच्छृंखल हो गए, इसीलिए जो दिल में आता वो करते, क्योंकि फिजियो 5 और 6 हम नहीं पढ़ते। हमने चलना, जीवन में चलना नहीं सीखा है। पुराने नियम में लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण खाली उनको, कोई मेरे साथ बोलिएगा प्लीज, जरूर अभी आप घबराई नहीं, हम निर्गमन से पहुंचेंगे वहां पर, हम व्यवस्था पर पहुंचेंगे। व्यवस्था क्या हुआ, क्या ये जो इसराइली निकले थे मिस्र देश से, ये जंगली लोग थे, ये नौकर थे, दास थे, मेंटेलिटी इनकी यही थी, ईंटा बना बना के, ईंटा बना बना के कहीं भी थूक देते थे, कहीं भी किसी को कुछ बोल देते थे, कुछ भी चुरा लेते थे, कुछ भी उठा लेते थे, आपस में शाम को बैठ के गॉसिप करते थे। परमेश्वर ने कहा अब ये नहीं चलेगा, अगर तुमको मेरे हुक्म में चलना है हर चीज व्यवस्थित रहेगी। दैट इज वॉट एजुकेशन इज, यही शिक्षा है। बच्चा घर में ABCD की किताब ले जाइए उसके पास, बिल्कुल वो पढ़ लेगा कुछ दिन के बाद, अच्छा ये D है, ये E है, ये F है, लेकिन उसको ये कौन बताएगा कि A सबसे पहले आता है और Z सबसे बाद में आता है। ये केवल शिक्षा और शिक्षक से आएगा। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आपके पास परमेश्वर के कलाम जैसा शिक्षक है जो आपको शिक्षा देता है, और मसीहियों को ये सीखने की जरूरत है। आगे पढ़ लीजिए, ना निर्लजता ना मूर्ता की बातें, ना ठट्टा, ना कोई ऐसी बातें सोती हैं वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्धजन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर मसीह और परमेश्वर के राज में मनियास नहीं है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर भड़कता है, इसलिए तुम उसके सभागे। आप पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइफ का एक एक स्टेप यहां समझाया गया है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। आप तो सोच रहे थे कि निर्गमन की जो 5वीं आयत, 5वां कमांड है, वो तो सिर्फ मां बाप के लिए है, मां बाप का आदर करो, बाकी लोग का। और याद रखिए, अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते तो आप फिर किसी का आदर नहीं कर सकते। और जैसा मैंने कहा, आदर होठ से नहीं, आदर दिल से कीजिए। 6वें अध्याय की पहली लाइन पढ़ के खत्म करना चाहता हूं। हे बालको, 5वें अध्याय की पहली लाइन क्या थी? इसलिए प्रिय बालको की नाई, नहीं, प्रिय के बाद कॉमा लगा है, इसलिए प्रिय, हाँ, किसी को संबोधित कर रहा पौलुस, इसलिए प्रिय, हाँ, बालको की नाई, बालको की नाई, परमेश्वर के सदृश्य बनो। बस हम तुम्हारा स्टैंडर्ड परमेश्वर है। लेकिन 6वां पद आते, 6वां अध्याय आते आते उसका पहला पद ही बदल गया। अब देखिए, पहले परमेश्वर के तुल्य बनाने की वो कोशिश कर रहा है, परमेश्वर के सदृश बनो, बिकॉज यू आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। अब 6वें अध्याय की पहली लाइन पढ़िए। हे बालको, हाँ, प्रभु में, हाँ, अपने माता पिता के, हाँ, आज्ञाकारी बनो। कैसे परमेश्वर से शुरू करते करते ए पहले है, बिना जेड के अल्फाबेट कंप्लीट नहीं होता। आप बोलिएगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड। खाली आप ये नहीं कहेंगे ABCD, जी नहीं, ABCD के बाद बहुत कुछ है। अल्फाबेट को पूरा करने में कितना, 26, और जेड के बिना कंप्लीट नहीं होता। कोई बच्चे से आप कहलवा दीजिए, जरा अल्फाबेट से पूरा बोलो, ABCD XY, जी नहीं, XYZ, शुरुआत भले ही ए पर हो लेकिन खत्म वो जेड पर होगा। शुरुआत हुई परमेश्वर के तुल्य बनो, अपने बच्चों को तुम खुद परमेश्वर के सदृश बनो, जिस तरीके से वो पवित्र था, जिस तरीके से वो इस तरह की बातें नहीं करता था, जिस तरीके से वो अपने जीवन में रहता था, ऐसे ही बनने की कोशिश करो। और अब 6वें अध्याय की पहली आयत, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अब देखिए, इसके बिना आपका मसीही जीवन का जो चक्र है वह अधूरा है, और सिर्फ आज्ञा आदर नहीं करना है, आज्ञा मानना है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो। अब प्रश्न इस बात का है, बस ये कह के मैं खत्म करना चाहता हूं,
बहुत माता पिता के बच्चे और बहुत माता पिता अच्छी आज्ञा नहीं देते, हमने देखा है, क्योंकि वो दुष्टात्मा से ग्रसित है, वो परमेश्वर के सदृश वो बने नहीं, तो वो अपने बच्चों को जो आज्ञा दे रहे हैं वो गलत आज्ञा दे रहे हैं। तो क्या ये करें हम? अब उसको फिर से पढ़ा जाए, बहुत करीने से पहली और दूसरा शब्द पढ़िएगा उसको, हे बालको जी, प्रभु में, प्रभु में, आगे अपने अपने माता माता पिता के आज्ञा मानो, आज्ञा जो माता पिता प्रभु में हैं, सब माता पिता नहीं, और बहुत लोग के तो माता ही पिता नहीं है, पैदा होते माता पिता या तो मर गए, चले गए, खत्म हो गए, क्या करिएगा, आप अनाथ हो गए, अब किसकी आज्ञा माने हम? हे बालको, प्रभु में जो तुम्हारे माता पिता है, एक काम कीजिए, आपको अनाथ रहने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को खोजिए जो प्रभु में आपके माता और पिता हो, जो माता पिता प्रभु में है, जिनको प्रभु ने आपके साथ जोड़ा है। दो पैदाइश होती है, एक तो नेचुरल होती है और एक स्पिरिचुअल होती है, और यीशु मसीह ने बहुत साफ कहा, हे निकुदिमस, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। अरे मेरे माता पिता ये हैं, हम इनसे जन्मे हैं, जरूर जन्मे होंगे, शारीरिक रूप से आप जन्मे होंगे, निकुदिमस भी जन्मा था, और निकुदिमस ने यही कहा कि कैसे हम फिर से जन्म ले सकते अपने माता पिता से, प्रभु ने कहा हम उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे, हम तो दूसरे आत्मिक माता पिता की चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा आत्मिक माता पिता जानते क्या है, एक जल है और एक आत्मा है, कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, आपके आत्मिक माता पिता जल है और आत्मा है, क्योंकि आप उन्हीं से जन्म लेते हैं, और जो जल कहता है यानी परमेश्वर का कलाम और पवित्र आत्मा, जब ये दोनों मिल जाते हैं बच्चे की परवरिश अच्छी हो जाती है। प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा, कह कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती, परमेश्वर का वचन जल भी है और इसी के द्वारा आत्मा भी है, ये आपके स्पिरिचुअल माता पिता है, इनका आदर करना सीखिए, जब आप इसका आदर करेंगे तो आप उनका भी आदर करेंगे, आप उनकी भी आज्ञा मानेंगे, आपका जीवन एक सुंदर जीवन होगा। मैं निवेदन करूंगा जो माँ बाप अपने अपनी बच्ची को डेडिकेट करना चाहते हैं मेहरबानी से सामने आ जाए।